प्रीत हो मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मेरी बांसुरी कर क्या रहे हो? कब से देख रही हूँ मैं तुम्हें, पढ़ तो तुम रहे नहीं हो, केवल मुझे ही ताके जा रहे हो। देखो ऐसे तो तुम चुनाव जीत नहीं पाओगे, इसलिए उचित यही होगा कि अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, समझे? सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? क्या बातें कर रही है, ऐसे कैसे कह सकती हो? मैंने सब पढ़ लिया, जितने तामपत्र मेरे पास है ना सारे के सारे मैंने पढ़ लिए, और केवल पढ़े ही नहीं सारे के सारे समझे भी। अच्छा सच में? एक चुनौती के लिए तुम इतना झूठ बोलोगे? कब से देख रही हूँ मैं तुम्हें, इन तामपत्रों पर दृष्टि तक नहीं डाली है तुमने, केवल मुझे ही देख रहे हो, फिर पढ़ा कब तुमने ये सब? बोलो सारा ज्ञान तुम्हारे मुख पे अंकित है, वहीं से पढ़ लिया। मेरे मुख पर? तुम और तुम्हारा उपहास। नहीं नहीं कोई उपहास नहीं है, बिल्कुल नहीं, सत्य कह रहा हूं। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, कृष्ण का कहना है कि उसने अनेकों ताम्र पत्रों का ज्ञान कुछ क्षण में अर्जित कर लिया, क्या ये संभव है? ये असंभव है राधा। कृष्ण उपहास क्यों कर रहे हो? सुनिए अब सभी कृष्ण के ताम्र पत्र उठाइए और इससे प्रश्न कीजिए, देखिए तो सही कृष्ण ने कितना ज्ञान अर्जित किया है, कितना पढ़ा है। ले लीजिए। अथर्ववेद पृष्ठ 30 तृतीय श्लोक। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्ष माँ स्वसार मुतस्वस सम्यंच सव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्र। अर्थात भाई भाई से द्वेष न करें, बहन बहन से द्वेष न करें, केवल एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखें, तभी गृह में क्लेश नहीं होगा और तभी समस्त परिवार में उन्नति होगी। अरे वाह बिल्कुल सही उत्तर दिया कृष्ण ने। ऋग्वेद पृष्ठ 10 प्रथम श्लोक। संगच्छध्वम समवदध्वम अर्थात सब साथ चले, साथ मिलकर चले, उस मार्ग पर चले जहाँ हमारे पूर्वज चलते थे। अद्भुत कृष्ण, अद्भुत, सभी उत्तर सही हैं। वाह कृष्ण, अध्ययन तो तुमने किया नहीं, सच बताओ इन प्रश्नों के उत्तर कहाँ से दिए तुमने? कहा ना, तुम्हारे मुख पर सारा ज्ञान है, उन्होंने जो भी प्रश्न पूछे मैंने तुम्हारे मुख को देख कर उन्हें उत्तर दे दिए। बस करो ये उपहास बंद करो कृष्ण, और सत्य सत्य बताओ कैसे दिए उत्तर? प्रेम से,
तुम्हारे मुख पर ब्रह्मांड का सारा ज्ञान है राधा। बस उसे देखने के लिए परिशुद्ध प्रेम की दृष्टि होना आवश्यक है। इन्हें मैंने केवल सतह का ज्ञान बताया है। इन श्लोक के गहन अर्थ में छिपा परमार्थ मैंने अभी तक इन्हें नहीं बताया। ये मैं तुम्हें स्वयं कल संध्या काल में बताऊंगा राधा, ठीक है? अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? इधर तो देखो। मुझे ज्ञान तो अर्जित करने दो, मुझे अध्ययन करना है, बहुत सारा ज्ञान है। बस ये ज्ञान ना उन ताम्र पत्रों से लो और अपनी ये माया बंद करो। अच्युता जी, अच्युता जी, पता नहीं ये अच्युता जी बिना कहाँ लुप्त हो जाती है। अरे क्या हुआ, किसी ने मुझे स्मरण किया क्या? अरे राधा तुम बोलो। हाँ किंतु आप कहाँ चली गई थी? अरे वो मैं विशेष बूटियां लाने गई थी। अब ऐसी औषधि बनाऊंगी ना कि तुम्हारे शरीर में जो विष की मात्रा है ना ऐसे लुप्त हो जाएगी। किंतु तुम मुझे स्मरण क्यों कर रही थी? तुमने तो बताया ही नहीं। वो अरे बचाओ भी, अब कह भी दो मन में क्या बात है, संकोच मत करो। देखिए ना उस कृष्ण को, वहां ज्ञान मंदिर में बैठा केवल मुझे ही देख रहा था। ताम पत्र पर दृष्टि तक नहीं डाली उसने, और फिर जब मैंने उसकी परीक्षा ली तो उसने सारे उत्तर ठीक से दे दिए। कहता है कि सारा ज्ञान मेरे मुख पर अंकित है, जिसे केवल वही पढ़ सकता है। अच्छा, तो तुम्हारी आपत्ति है कि कृष्ण ने सारे प्रश्नों के उत्तर सही दिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो तुम्हारी समस्या ये है कि कृष्ण तुम्हें देखता ही जा रहा था। नहीं जानती, किंतु हाँ मैंने सोच लिया कि मैं वहां तब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो वहां से नहीं चला जाता। मुझे नहीं अर्जित करना कोई परमार्थ उन तामपत्रों से। अरे हे हे, इसका अर्थ तो ये हुआ कि राधा पुनः स्वयं पर विश्वास नहीं कर रही, इसीलिए तो वहां नहीं रुकी, इसीलिए तो भाग निकली वहां से। थे थे थे, क्या हो गया? अर्थात? अरे छोड़ो ना, क्या बातें करनी इनके बारे में, छोड़ दो। बताइए ना। अर्थात यदि तुम वहां रुकती तो कृष्ण तुम्हें देखते रहता और कुछ समय पश्चात तुम्हें आभास होता, तुम्हें स्वीकार करना पड़ता कि तुम अब भी कृष्ण से प्रेम करती हो। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब कृष्ण पूरी रात बैठकर अध्ययन करेगा तो मैं थोड़ी ना वहां रह सकती हूँ। मुझे रसोई में बहुत काम है, मैं जाती हूँ। हाँ चिंता की कोई बात नहीं, कृष्ण कहाँ रात भर वहां अध्ययन करने वाला है। अरे मैंने तो सुना है वहां पे रात को भयानक बड़े बड़े सर्प आते हैं। मैंने ये भी सुना है कि वहां पे असुर आते हैं उड़ने वाले। मैंने तो ये भी सुना है कि वहां पे नरभक्षी पशु आते हैं। हे नारायण, अच्छा ही होगा वो कृष्ण भयभीत होके वहां से भाग जाएगा। कृष्ण की चिंता में अधीर हो रही हो राधे।
यही चिंता तुम्हें कृष्ण की ओर ले जाएगी।